हेलो एवरीवन, वेलकम। देखेंगे इसमें क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट लेजेंड को आप याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, क्या वो इस वक्त आपको याद कर रहे हैं, किस एनर्जी में है वो, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनका एक्शन क्या हो सकता है, आपसे क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सोचिएगा इनके बारे में, जो कोई भी आपके पार्टनर हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, फोकस बना कर रखें क्या है उनकी फीलिंग्स। यूनिवर्स बताए मुझे मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर, क्या है उनकी एनर्जी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। इनको ऐसा लगता है जो आप में इमोशंस था, फीलिंग्स था आपके पार्टनर के लिए, जो आप इनको प्रोवाइड करते थे, वो अब आपसे नहीं मिल रहा है। तो आप हार्टलेस हो गए हो, आप इमोशंस लेस हो गए हो, आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हो, या आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, आपका जो बिहेवियर है वो काफ़ी रूखा सूखा सा होता है स्पेशली इनके प्रति। आपका जो बर्ताव है, जो बिहेवियर है, जो वर्ड्स है, इनको हर्ट करता है, आपका एक्शंस इनको हर्ट करता है। तो ये चाहते हैं कि आप पहले की तरह स्वीट हो जाओ, या थोड़े से स्वीट हो जाओ, थोड़े से लवी डवी एनर्जी में रहो। तो ये मुझे आपके पार्टनर का सोच दिखाई दे रहा है। ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, या तो आपका खुद का शाइन हो सकता है। आपके पार्टनर के थॉट्स में क्या देख पा रही हूँ पता है, कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये कितने स्वीटली आपसे बात करते हैं, बट आपके साइड से वो एनर्जी नहीं मिलता जो ये चाहते हैं, जो ये एक्सपेक्ट करते हैं। इनका ऐसा सोच देख पा रही हूँ मैं। आप हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहते हो, ये इनका सोच है, ठीक है। आप दोनों के बीच बैलेंस नहीं है, या आप दोनों का जो थॉट्स है, जो सोच है, वो एक जैसा नहीं है, बैलेंस नहीं बन पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। वे चाहते हैं कि थोड़ा सा ये कोशिश करिए, थोड़ा सा आप एफर्ट्स करो, तो आप दोनों बिल्कुल एक हैप्पी कपल की तरह रहोगे। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, ये जो कोई भी हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे बेबी चाहते हैं, स्पेशली आपके हस्बैंड वाइफ, ठीक है, आपसे बेबी चाहते हैं। और हो सकता है कि आप बेबी के लिए रेडी नहीं हो, या शादी के लिए, या रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, इंटीमेसी के लिए, तो ये चाहते हैं आपसे, ठीक है। आपके क्लोज आना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे, और ये चाहते हैं किसके लिए, आप इनको अलाउ करो, ठीक है। और क्या है इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स बताए मुझे। ओके, आपके साथ बेबी हो, आप इनको चीज़ करो, आप अपने इनर चाइल्ड को बाहर लाओ, ठीक है। बिल्कुल इन्होंने देखा है आप में, आपका जो बिहेवियर है, या चाइल्डिश आपका नेचर हो सकता है, या पहले था जो कि अब नहीं रहा, तो आप बिल्कुल वैसे हो जाओ, ठीक है। आपकी बचपन इनको काफ़ी पसंद है, आपकी हरकतें, हो सकता है कि आप चाइल्डिश नेचर के हो सकते हो, जो कि इनको बहुत पसंद है, ठीक है। आपका वो एनर्जी इनको बहुत अट्रैक्ट करता है आपकी ओर, आपके प्यार में डूब जाते हैं। तो आप अपने अंदर के जो बच्चे हैं उसको निकालो, बाहर लाओ। ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, या तो आपका खुद का शाइन हो सकता है, या इनको आपके साथ बच्चे चाहिए, या तो ऑलरेडी आप दोनों का बेबी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर किसी बेबी को आपके पीछे लगा रहे हैं, ठीक है। कुछ आपको दे सकते हैं उनके थ्रू, आपकी पसंद का कुछ, या जिसको देख कर आपके फेस पे ब्यूटीफुल स्माइल आ जाए, आप खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ। तो किसी के थ्रू, बेबी के थ्रू कुछ भिजवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा, ये अपने खुद के बच्चों के थ्रू, ठीक है, आप दोनों के बच्चे के थ्रू, तो ऐसा कुछ भी दिखाई दे है मुझे। उनसे कॉन्टैक्ट करा सकते हैं अगर आप दोनों के बीच दूरियाँ हैं, या आपके पास बेबी हैं, तो उनके बहाने आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मिस उनको भी करने हैं, दोनों को ही, आप दोनों को ही, बच्चे और आपको, ठीक है। तो बहाने से आपसे भी बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
और क्या है एनर्जी, यूनिवर्स पता है मुझे। मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर की फीलिंग्स थॉट्स क्या है? स्टार की तरह हो आप इनके लिए, ठीक है? आप स्टार हो सकते हो, सोशल मीडिया स्टार हो सकते हो, आप पॉपुलर हो सकते हो, फेमस हो सकते हो, लोग आपको जानते हैं, एडमायर करते हैं, आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं काफ़ी। आपके पार्टनर के लिए आप स्टार की तरह हो, ठीक है? आपके होने से इनके लाइफ में रोशनी होती है, इनके लाइफ में हैप्पीनेस होती है, पॉजिटिविटी होती है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो, बोल्ड हो, इनकी नज़रों में आप बिल्कुल परफेक्ट हो। आप परफेक्ट पैकेज हो इनके लिए, ठीक है? आप में सब कुछ है, आप में लव है, केयर है, वही आप में थोड़ा सा रूडनेस भी है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो, आप काफ़ी ज़्यादा हो सकते हो, पर वहीं आप प्यार में भी भरपूर हो, ठीक है? तो एक बैलेंस पर्सनालिटी हो आप इनके नज़रों में। आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जी, आपसे क्या कहना चाहते हैं? ओके, ये बैलेंस चाहते हैं या चाहते हैं कि आप इनको शेड्यूल करो, अट्रैक्ट करो? आपके साइड से ये कुछ एक्शन देखना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच फाइट हो रखी है तो फाइट को ख़त्म करने की कोशिश करो, या आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है तो इनके लिए स्टैंड लो। और अगर इनको एक्शन लेने की ज़रूरत है तो दिखाई दे रहा है, इनका मैसेज ये आ रहा है आपके लिए कि ये बैलेंस करेंगे, धीरे धीरे ये सही करेंगे, ये काफ़ी बिजी हैं तो धीरे धीरे ये सही करेंगे। कुछ लोग लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी तरह का, और ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप एडजस्ट कर लो इनके साथ? अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी किसी भी तरह का हो सकता है, आपको मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी बात को लेकर, ठीक है? आपको कन्विंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, क्या चांसेस है होने का, आगे क्या कुछ हो सकता है? ओके, इनसे आपको प्यार मिलेगा, इनसे आपको एक्शन मिलेगा, ये आपको प्रपोज करेंगे, आपसे मिलने को आएंगे, आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी आपको कुछ दे रहे हैं, ठीक है? ये वही हैं जिनको आप पुकार रहे हो। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगी मीटिंग से पहले, ठीक है? बातचीत हो रही है या आपको बता रहे हैं कि मिलने आना है, या तो आप इनको बुला रहे हो, कह रहे हो कि आपको मिलना है, और ये खुद चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका जो कनेक्शन है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है? ग्रो कर रहा है, आप दोनों साथ में हो, हैप्पी हो, खुश हो, ये अपना प्यार आप पर लुटा रहे हैं, आपको फैमिली दे रहे हैं, आपको हैप्पी फैमिली दे रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं, फैमिली से मिला रहे हैं, फैमिली में शामिल कर रहे हैं। आपके लिए कुछ खरीदते भी दिखाई दिए हैं, घर हो सकता है, आपको कुछ देते भी दिखाई दिए हैं, ये आपके लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे दुनिया देख रही है, ठीक है? लोग देख रहे हैं कि ये आपके लिए क्या कर रहे हैं। क्या कुछ हो सकता है आगे, यूनिवर्स बताए मुझे क्या कुछ हो सकता है आगे। ओके, अचानक से कुछ होने वाला है। कुछ लोग के बीच ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल है तो थोड़ा सा अवेयर रहें, कॉन्शियस रहें आपके रिश्ते को लेकर। कुछ अचानक से हो सकता है, अचानक से ब्रेकअप हो सकता है, फाइट हो सकता है, फैमिली में कुछ हो सकता है। वही कुछ लोग के बीच ऐसा दिखाई दे रहा है कि अचानक से आप दोनों साथ आ रहे हो, या तो ये आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपसे मिलने को आ रहे हैं, आप दोनों की शादी हो रही है, ये गुड न्यूज़ किसी तरह का आ रहा है, प्रेगनेंसी का मुझे दिखाई दे रहा है, न्यू स्टार्ट हो रहा है, साथ में आ रहे हो। वाओ वाओ,
तो कुछ लोग यहाँ पर साथ में आ रहे हो, ये अचानक होके आप दोनों का जो ड्रीम है, विश है, वो पूरा हो रहा है अचानक से, ठीक है। आपकी विश, आपकी ड्रीम फुलफिल हो रही है इनके साथ, न्यू स्टार्ट हो रहा है, रोमांटिक रिलेशनशिप में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, दोनों ही सीरियस हो एक दूसरे को लेकर, दोनों खुश हो, हैप्पी हो एक दूसरे के साथ, तो ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अचानक से होगी इनसे शादी या साथ में रहने स्टार्ट करोगे, न्यू स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ये अचानक से बेबी का न्यूज़ मिल सकता है, प्रेगनेंसी का न्यूज़ मिल सकता है, बेबी बर्थ हो रहे हैं यहाँ पर, आपकी ड्रीम फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, ये होने जा रहा है आगे आपकी लव लाइफ में, आपकी लाइफ में, आप दोनों के बीच। यहाँ पर मुझे ऑल साइंस दिखाई दिया है, स्पेशली है टॉरस, एरिस, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, सभी साइंस है यहाँ पर। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।